सैनिटो। हमारा मकसद ये था कि हम गरीबों की मदद करें ताकि इनको कुछ आराम मिले सैलोर सैनिटो की तरफ से। और जो ये हमारा कैंप था आज, हम लोगों ने आज फ्री मेडिकल चेक किया और एएसजी हॉस्टल विद कोलेबरेट एएसजी हॉस्टल और फिजिशियन डॉक्टर्स भी अवेलेबल थे यहाँ पे। तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी मरीजों से? एक्सपेक्टेशन यही थी कि हमारे जो हमें मतलब ये था कि बहुत सारे लोग थे, लेकिन जितना हमने एक्सपेक्ट किया था बस उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे आ गए। शुक्रिया बात करने के। ये तो हम पहले से ही करके आ रहे हैं, सल्यूट 72 एनजीओ जो है उनके साथ बहुत ही हमारा ताल्लुक बहुत ही बढ़िया है, हम करते हैं इनके साथ कैंप्स तो बहुत जगह किए हैं। तो आज उन्होंने बोला था यहाँ पे इनवाइट किया, तो हमने यहाँ पे आयुष्मान भारत कैंप किया है। ना उसका फ़ायदा ये है कि जो भी यहाँ के सर्जिकल पेशेंट्स निकलेंगे उनकी जो सर्जरीज हो जाएंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी हमारे एएसजी आई हॉस्पिटल कमरवारी में। देखिए पहली बार तो ये जो मैसेज है नॉट फॉर वॉलंटियर जो इनके जवान हैं आपके, या मैं तो हर सोसाइटी में ये बोलता हूँ कि भाई अभी जो हमारा स्क्रीन टाइम हुआ है ना, स्क्रीन टाइम मतलब ये कि जो हमारी यूसेज हुई है चाहे वो कंप्यूटर्स की हो, लैपटॉप की हो या मोबाइल फ़ोन्स की हो, तो उसकी वजह से जो आंखों में प्रॉब्लम्स होती हैं उसका अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज सारे यंगस्टर्स और इवन के दोज वो आर नॉट इवन यंग, वो जो मतलब अबव 18 भी नहीं है, उनकी भी इतनी ज़्यादा यूसेज है फ़ोन्स की, तो उसके लिए इनका इनकी आंखें बहुत ड्राई हो जाती हैं। एंड दैट टू जब हम यूज़ करते हैं फ़ोन इन डार्क, तो उसमें आंखें जब रेड होती है तो रेडनेस की वजह से बहुत ज़्यादा जो इसमें इचिंग हो जाती है स्टार्ट। एंड देन लॉन्गर टर्म के बाद जब यूज़ करते हैं फ़ोन तो उसमें लॉस विजन का जो लॉस है वो बहुत देखा गया है। तो मेरी मैसेज यही रहेगी कि एटलीस्ट जो भी आपके वॉलंटियर्स हैं आप कम से कम अपने लेवल पे इनको बोल दो कि कैसे, अगर आप यूज़ भी कर रहे हो फ़ोन तो कैसे करना, देर इज़ अ वे टू यूज़ द फ़ोन। तो अगर हम एक आधा घंटा फ़ोन यूज़ करें उसके बाद आंखें ब्लिंक करके दूर देख सकते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वी आर अवेलेबल 24/7 हमारे जो हॉस्पिटल कमरवारी में, तो कुछ भी प्रॉब्लम है एंड वी आर ऑल सीइंग योर पेशेंट्स जो आपके थ्रू आएंगे, तो वी आर सीइंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको जो हमारा कंसल्टेशन फी 400 है वो भी नहीं भरना है जी। हमने ये इसलिए किया है क्योंकि जो नीडी पीपल होते हैं, जो मतलब जिनके लिए इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए हमने ये फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सल्यूट 72 ब्लड डोनेशन लाइव डोनर्स हैं उनकी तरफ से जी। हमने जितना एक्सपेक्टेशन किया है नियर अबाउट उस 90% उनमें से आ गए हैं, तो अभी भी हमारा कैंप चल रहा है, तो देखते हैं जब तक हमारा हो जाएगा पूरा जो एक्सपेक्टेशन हमने की थी। कहाँ पे आपने ये कैंप मुनक्किद किया? ये हमने किया था अल ज़हरा श्राइन, इमाम बरगा, बागे ज़ैनब, शालीमार।